बीपीएससी की बात हो और कोचिंग ढूंढने की माथा पच्ची ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जिस तरह से बीपीएससी में प्रतिस्पर्धा साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, उसे देखते हुए कोचिंग संस्थानों की भूमिका को पूरी तरह से इग्नोर भी करना ठीक नहीं है। या शायद उनकी बढ़ती हुई भूमिका का ही परिणाम है कि आजकल हर शहर में बीपीएससी की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है, और या बीपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक नई समस्या खड़ी करता है। समस्या ये कि एक अच्छे कोचिंग संस्थान का चयन कैसे करें। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ आपको मिलेंगी बिहार राज्य से जुड़ी सभी परीक्षाओं के बारे में सारी जानकारियाँ। इसके साथ ही हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस, जिसे देखकर आपको भी अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीपीएससी जैसी परीक्षा में अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी सच है कि जो गाइडेंस आपके लिए सही हो वही आपके दोस्त के लिए भी काम आए। हर व्यक्ति अलग होता है और उसकी आवश्यकताएं भी अलग होती है। किसी भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स उसके एकेडमिक बैकग्राउंड, उसकी क्षमता और आर्थिक स्थिति से प्रभावित होती है, और अगर सही कोचिंग का चयन करना है तो आपकी सभी आवश्यकताओं और क्षमताओं के बीच एक सही तालमेल बिठाना जरूरी है। इसलिए अपने लिए किसी भी कोचिंग का चयन करते समय इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। अपने विषयों की पहचान करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जरूरतों की पहचान करें और उसके मुताबिक ही कोचिंग संस्थान का चयन करें। यदि यह पता कर लें कि आपको जिन विषयों में दिक्कत होती है उसके लिए उस कोचिंग में फैकल्टी कैसी है, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान सभी विषयों में शिक्षण की समान गुणवत्ता नहीं रखता है। उत्तर लेखन, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए एक कोचिंग संस्थान चुने जो छात्रों को कक्षा में उत्तर लेखन और वाक्यांशों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इन उत्तरों का कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और जीनियस फीडबैक भी आवश्यक है। सही फीडबैक नहीं मिलने से एक अच्छा स्टूडेंट भी ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है, जो आगे चलकर घातक हो सकता है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले वहाँ के स्टूडेंट से यह जानकारी अवश्य ले कि वहाँ की फैकल्टी का फीडबैक सिस्टम कैसा है। प्रतियोगी टेस्ट सीरीज, बीपीएससी की प्रतिस्पर्धा के लिए आपको एकेडमिकली और मेंटली तैयार करने में कोचिंग संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उत्तरों के संपूर्ण मूल्यांकन के साथ साथ अप टू डेट टेस्ट सीरीज आवश्यक है। किसी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले इस बात की जांच जरूर कर ले कि वह कितने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है, और उसके कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी पहले जरूर पढ़ ले, ताकि आपको यह पता चल जाए कि जो टेस्ट वे संस्थान कंडक्ट करवा रहा है क्या वह आज के समय में प्रासंगिक भी है या नहीं, या फिर उनके क्वेश्चन में नयापन है या नहीं। पाठ्यक्रम सामग्री, गाइडेंस का महत्वपूर्ण काम यह होता है कि वह आपको सिलेबस समय से पूरा कवर करा दे। अपने लिए कोई भी कोचिंग चुनने से पहले इस बात का पता जरूर लगा ले कि वहाँ पर सिलेबस कितने दिन में पूरा करवा लिया जाता है। कोई कोचिंग तो ऐसे भी होते हैं जहाँ परीक्षा से एक महीने पहले तक सिलेबस ही पूरा नहीं होता और स्टूडेंट्स बीच भवन में फंस कर रह जाते हैं। इसलिए पहले से ही पढ़ रहे स्टूडेंट से इस मामले पर जरूर बात करें कि सिलेबस खत्म करवाने में कितना समय लगेगा और क्या उसके बाद आपको खुद की पढ़ाई करने का समय मिलेगा या नहीं। घर से दूरी, यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे अक्सर लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोचिंग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बाकी परीक्षा में सफल होने के लिए आपको खुद ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले इस बात पर जरूर गौर कि वहाँ एडमिशन लेने से आपके आने जाने का समय कितना लगेगा, और कोचिंग से लौटने या कोचिंग जाने से पहले आपको दिन में कितना समय खुद से पढ़ने के लिए मिलेगा। पिछले वर्षों के परिणाम, किसी भी कोचिंग के विज्ञापन और मार्केटिंग पर भरोसा ना करें, बल्कि चयन करते समय एक ओपन माइंड से यह सोचें कि उस कोचिंग की सक्सेस रेशियो वास्तव में कितनी है। इसकी जानकारी आपको वहाँ के फॉर्मर स्टूडेंट से मिल जाएगी। इन सब के अलावा और भी कुछ बातें हैं जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि उस कोचिंग की फीस कितनी है, हर दिन कितनी क्लासेस होती हैं, क्या डाउट्स क्लासेस होती हैं, यदि किसी स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन की जरूरत हो तो क्या वहाँ दिया जाता है, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है,
इत्यादि। इसके बाद अपनी आवश्यकताओं और कोचिंग द्वारा ऑफर की जा रही सर्विसेज का आकलन करने के बाद ही एडमिशन लें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।